हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एटीएम का जो पिन है उसको कैसे बदल सकते हैं, या फिर आपने नया लिया है तो उसका नया पिन आप कैसे बना सकते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं या फिर कोई नए नए होते तो उनको पता नहीं होता है, तो यही सब बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी अपने एटीएम का पिन बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिर्फ 2 मिनट में बताने वाले हैं कि आप अपना पिन कैसे बदल सकते हैं और कैसे नया बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपकी हेल्पफुल जानकारी मिलने वाली है। आइए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके थे अपने नजदीकी एटीएम में और एटीएम मशीन में हमने अपना एटीएम डाल भी लिया था। दोस्तों, आपको करना क्या है, ऐसे ही एटीएम डाल लेना है, उसके बाद जो ग्रीन पिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रीन पिन का, ठीक है ना। तो आपको ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओटीपी जनरेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको कार्ड जो है निकाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कार्ड फिर से डालना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ओटीपी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक बार एटीएम निकाल कर और फिर से डाल लिया था। दोस्तों फिर से समझ लीजिएगा बात के लिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एटीएम को आपको जब डालना है तो उसके बाद आपको ग्रीन पिन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वैसे ही छोड़ देना है और एटीएम को निकाल लेना है, ठीक है ना। एटीएम आप बाहर निकाल लेंगे, फिर से आप एटीएम डालेंगे, उसके बाद आप फिर से ग्रीन पिन पर जाएंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओटीपी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया था उसको आपको डाल देना है, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस और आप देख सकते हैं पिन चेंज, प्लीज एंटर योर न्यू पिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पिन थी वो बदल चुकी है और अब हम अपने मन से या अपना जो भी पिन बनाना चाहते हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी जो है पिन थी वो उसको बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने वो पिन को बना लिया है और एक बार पिन डाल लिया है, अब दोबारा हमें पिन को डालना होगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है यहाँ पर प्लीज री एंटर योर न्यू पिन, ठीक है ना। तो हमें न्यू पिन डालना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर फिर से वही पिन दो बार डालूंगा तो यहाँ पर हमारा पिन था जो चेंज हो गया, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसीड, ठीक है ना। मतलब हमारी जो पिन थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। दोस्तों ऐसे ही आप भी अपनी सिंपल सी कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आई होप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब कार्ड लगाते हैं तो उसके बाद ग्रीन पिन का ऑप्शन आता है तो वहां पर ओटीपी जनरेट पर क्लिक करने के बाद आपको जो कार्ड था वो निकाल लेना है, उसके बाद अपना ओटीपी आपको देख लेना है कि ओटीपी आ चुका है, उसके बाद आपको फिर से कार्ड लगाना है, फिर से ग्रीन पिन पर जाना है और ओटीपी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओटीपी डालना है, ठीक है ना। आपको कार्ड निकालना बहुत जरूरी है जब ही आपका ओटीपी फिल होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिसीविंग थी वो भी मुझे यहां पर प्राप्त हो चुकी है और यहां पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है पिन चेंज, ठीक है ना, पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है ना। मतलब कि मेरी पिन जो थी वो बदल चुकी है। आई होप दोस्तों कि आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई होगी और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ आपका अपना यूट्यूब चैनल दयाती सॉल्यूशन। धन्यवाद।